अवसर है, सेवा का समय है और आज ऑपरेशन शुरू हुए हैं, आंखों के ऑपरेशन, जिसमें सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सेवादार आके यहां सेवा कर रहे हैं। और कोई भी आपको लगता है कि साध संगत जी कोई गरीब हो आपके आसपास, जिसकी आंखों की बीमारियां हों, तो आप उसको लेके आइए, महान सेवा है। काफी लोग यहां दाखिल हो चुके हैं, पर आप आज और कल तक उनको और ला सकते हैं। डॉक्टर साहबान ओपीडी लगातार करते रहेंगे, सो आपसे गुजारिश है, कोई भी गरीब लाचार उसको पहल के तौर पे लेके आए, कोई और भी है तो उसको भी। और यहां बहुत ऑपरेशन हुए हैं, एक भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें सक्सेस ना हुआ, ईश्वर की कृपा है। तो आप उनको लेके आए और यहां पे अपने सेवा का महायज्ञ जो चल रहा है, उसमें सबसे बड़ी आहुति यही है कि इंसानियत की सेवा, उन बुजुर्गों को जिनको कोई संभालता नहीं, जो लाचार हैं, हाँ, जिनके अपने उनको नहीं संभालते, आप उनके अपने बन जाओ, देखना कितना मजा आता है, कितनी खुशी आती है। चाहे चार दिनों के लिए या सात दिनों के लिए ही आप ऐसा करते हैं, ये बेमिसाल खुशी होती है। एक दुखिए का दुख दूर करना, उसमें जो आनंद आता है वो कहने सुनने से परे है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे कोई भी आपको दिखे उनको लेके आओ। और बाकी सतगुरु मौला हर समय हर पल हर किसी के साथ रहते हैं, जो दृढ़ यकीन के साथ, दृढ़ भावना के साथ सुमरण करते हैं, सेवा करते हैं, वो उसकी खुशियों को लूट लिया करते हैं। सो अपने अंदर का दर्ज यकीन बनाओ, ईश्वर के गुण गाओ और ईश्वर से ईश्वर को मांगो, यकीनन वो झोलियां भर देता है। दीनता, नम्रता, सेवा, सुमरण, ये ऐसे गहने हैं जो सेवादार पहन के रखते हैं। हम बलिहारे जाते हैं उन बच्चों पे जो इस परमार्थी कैंप में बेइंतहा सेवा करते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि यह सेवा अपने आप में बहुत महान सेवा है। आप देखिए, कहीं भी ऐसा दिखने में नहीं आता कि कोई सेवा कर रहा हो। अपने मां बाप की सेवा करने से लोग नाकभौं सिकोड़ते हैं, और इन बच्चों को देखिए, ये जिनको जानते नहीं उनका टट्टी पेशाब उठाते हैं। बताइए, क्या ये कोई आसान काम है? बुजुर्गों के ऑपरेशन होते हैं, माता के तो उधर बहने, भाइयों के उधर भाई, उनकी संभाल करते हैं। हर बार होता है ये 12, 13, 14, 15 दिसंबर में, तो ये उनकी पूरी संभाल, जैसे छोटे बच्चे की मां संभाल करती है, इस तरह ये बुजुर्गों की संभाल करते हैं। तो ऐसे बच्चों को हमारा सैल्यूट, उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। और डॉक्टर साहबान भी दिलो जान से सेवा करते हैं, हमने किसी भी डॉक्टर को यहां सेल्फिश नहीं देखा। ऐसा नहीं कि वो ऑपरेशन करने के बाद पर्ची देते हो, अपना कार्ड देते हो कि मेरे क्लिनिक पे आ जाना, ऐसा यहां नहीं करता कोई भी डॉक्टर। तो इसलिए उन डॉक्टरों को भी सैल्यूट जो दिल से सेवा करते हैं, इंसानियत की सेवा करते हैं, चाहे यहां है चाहे ऑपरेशन थिएटर में है, पैरामेडिकल स्टाफ, सारे सेवादार बेमिसाल। तो ये बहुत बड़ी बात है सेवा करना, सेवा का महान कार्य। महाकुंभ आरंभ हो चुका है और जो साध संगत है उनको तभी और ज्यादा खुशियां होंगी अगर वो किसी मरीज को लेके आते हैं। आपके आसपास कोई बेचारा गरीब हो, लाचार हो, उनके परिवार का एक आदमी साथ ले आइए, आप आ जाइए,
संभाल यहां पे घर से ज्यादा होगी, दवा दारू ऑपरेशन सही ढंग से किए जाएंगे, तो आप लोगों से गुजारिश है सेवा के इस महायज्ञ में, महाकुंभ में आप अपना हिस्सा जरूर डालें, आहुति डालें, ताकि परमपिता परमात्मा की खुशियां अंदर बाहर से मिलती रहें। और वाकई आप गुरसिख हैं, गुरसिख के कोई कलंगी नहीं लगी होती, गुरसिख के कोई तगमा नहीं लगा होता, गुरसिख के कोई मेडल नहीं पहना होता, गुरु का सिख, गुरु का शिष्य, उसमें सेवा सुमरण का जज्बा होता है। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार से वो लड़ता ही रहता है और आखिर जीत के हटता है। वो दीनता नम्रता का पुजारी होता है, ईगो अहंकार तो उसके आसपास भी नहीं ठहरता। तो यहां दीनता नम्रता है तो सारा कुछ है। आज भी हैं जिन पे आप सिर्फ आदमी की गंदगी, क्या उसको गंदगी में घुसा दो, क्या आपने देखा नहीं ग्रीनेस के मेंबरों को दूसरों की गंदगी उठाते हुए, क्या देखा नहीं टॉयलेट साफ करते हुए? ये हम किसी से मुकाबला नहीं कर रहे, पर ऐसा नहीं है, सतगुरु ने ये तो कहा ही नहीं कि उनकी गंदगी साफ करना। बिना कहे भी आज के मालिक के प्यारे ऐसे घुस जाते हैं जैसे कि गुलकंद में घुस गए हों। पर इगोइस्ट भी बहुत लोग हैं जो फकीर की बात को पता नहीं क्या से क्या समझ ले। तो हमारा यही कहना है इन सेवा के दिनों में, हे सेवादारों, दीनता नम्रता जिंदगी से कभी दूर ना होने देना, अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने देना, औकात कभी भूलना मत। हम कभी औकात अपनी भूलते नहीं, छोटे से एक जमींदार चाहे दुनिया की निगाह में बहुत बड़े, 18,000 कुछ एकड़ जमीन थी जो हमारे दादाजी के दादा के नाम थी, हम कभी नहीं कहते इतना कुछ आज फर्स्ट टाइम आपको बोले, पर हम कहते हैं हम तो चौकीदार थे, चौकीदार हैं, चौकीदार रहेंगे। आप जूते रख दो, हम आपके जूतों में भी बैठने को तैयार थे, हैं और हमेशा रहेंगे। चाहे कुछ भी बन जाए, दुनिया कुछ भी बोलने लग जाए, यहां तो निशाना इतना ही है। हम तो दीनता नम्रता ही हम समय कहते रहते हैं, आपके चौकीदार हैं, आपके सेवादार हैं। और ये जुबान से नहीं कहते, प्रैक्टिकली हैं, यहां मालिक बन के नहीं रहते। किसी को पता नहीं होता फकीर कौन से खेल खेलता है, वो समय बताता जाता है कि कौन सा खेल कब क्या करता है। तो इसलिए अहंकार ना होने दो, चंद नौकर आ गए, कोठी बंगले बगीचे आ गए, या जहाजों पे सैर हो गई, या जहाज आपके अपने हो गए, बिजनेस में पता नहीं क्या से क्या हो गया, हैं तो मालिक के बच्चे ही आप, उस चीज को कभी ना भुलाएं। क्योंकि जो दीनता नम्रता रखता है मालिक बेनतहा खुशियां बख्शता है, और जो अहंकार करते हैं करी कराई भक्ति कब एक पल में गवा दे कुछ पता नहीं। तो इसलिए हे भक्तजनों, हे सेवादारों, हाथ जोड़ के हमारी तो प्रार्थना है, दीनता नम्रता के गहने कभी पहनने छोड़ना ना। दुनिया से चालबाजी करते हो वो भी छोड़ दो, पर कभी फकीर से, सदगुरु से, अल्लाह राम से चालबाजी ना करना, पूरी जिंदगी का रोना पिटना पल्ले पड़ जाता है। फकीर कभी बद्दुआ नहीं देता, रूहानी सूफी संत हमेशा दुआएं, हमेशा दुआएं, पर फकीर का भी तो कोई मालिक होता है ना। अगर आप किसी अहंकार में, पैसे के, अपनी खुदी के, किसी चीज के नशे में बोलते हो, उसका भी तो कोई है ना, वो नहीं सहता फिर कि उसके फकीर को कोई कुछ कहे। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती, निंदा कभी मां बाप की, परिवार की कभी किया ना करो, बुरे कर्मों से दूर रहा करो, सेवा सुमन किया करो, और ये सेवा का महाकुंभ अब जो चल रहा है बढ़ चढ़ के इसमें आहुति डालो। नए जितने भी जीव हैं बेचारे लाचार गरीब, ज्यादा से ज्यादा उनका ऑपरेशन करो, यहां उनको संभालने में मदद करो, और हर सेवा के जितने भी कार्य आश्रम की तरफ से चल रहे हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, तो मालिक अंदर बाहर से माला माल 100% करेगा, 2-4 नहीं 100% करेगा।